सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाकर यहाँ पर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि इस प्रकार के वीडियो की जानकारी मिलते रहे। तो चलिए शुरू कर दें। तो वेलकम बैक, कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लेमिनेशन मशीन के बारे में। तो हमारे पास एक मशीन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और ये जो है मेरा नया शॉप है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से मैंने एक जो है नया शॉप यहाँ पर अभी अभी ओपन किया है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं ले रहा हूँ उसका मैं अनबॉक्सिंग करके बताऊँ। पहले भी प्रिंटर का और बायोमेट्रिक का जो है हमने जो अनबॉक्सिंग कर दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। उसके बारे में पूरा डिटेल मैंने बता दिया है, इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है। तो आज हम बात करेंगे लेमिनेशन मशीन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चुके हैं ये है A3 मिनी लेमिनेटर मशीन, ठीक है। तो इस प्रकार से जिससे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को जो है लेमिनेट कर सकते हो और उसको एक कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसका पूरा जो है मैं यूज़ बताने वाला हूँ किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दिवा है। सबसे पहले तो इसका जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके यहाँ जो झिल्ली लगा है इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ से थोड़ा इसको कट करते हैं। चूँकि ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है और मैं खुद स्वयं से कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना करना पड़ता है, ठीक है। कुछ इस तरह से है। यहाँ से देखिए पूरा सॉन लगा हुआ है, इसको भी हम निकाल देते हैं। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने निकाल लिया है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैंने बॉक्स को दिखा ही दिया है, कुछ इस तरह से बॉक्स में दिया हुआ है। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें दिया है। अब यहाँ पर ये देखिए अंदर में क्या क्या है वो आपको दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ है ये, जो कि जब आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट या फिर आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें लेमिनेट कर रहे हैं, अचानक से लाइन बंद हो गया तो उसमें क्या है, आपको तुरंत इसको घुमाकर उसको निकाल सकते हो, ठीक है। इसका यूज़ भी बताने वाले हैं, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। इसके बाद इसमें इस कुछ वायर वगैरह दिए हैं, तो इसको पहले हम अच्छे से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बाहर कर लिया है, और इससे जो बॉक्स है इसमें तो फिलहाल ये चीज़ है जो कि क्या है देख लेते हैं। कुछ इस तरह से कुछ है। तो मैनुअल है, यूज़र मैनुअल किस प्रकार से यूज़ करना है वगैरह वगैरह। तो इसको हम साइड में फेंकते हैं। अब ये बचा हमारे पास मशीन। अब यहाँ पर इसका जो लगा है इसको हम निकाल लेते हैं, थोड़ा कुछ आराम से इस प्रकार से, और तो कुछ इस तरह से है इसका जो है, इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। तो पहले मैं ये झिल्ली जो है इस पर ऊपर में लगा उसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको जो है निकाल लिया है, झिल्ली को यहाँ पर हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको बटन को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा जो है रेड कलर का यानी लाल कलर का बटन है, ये पावर का है। इसमें जब पावर रहेगा तो ये जलेगा। और उसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे ये जो है रेडी यानी कि हरा कलर में, जो ग्रीन कलर में बनेगा जब ये रेडी हो जाएगा मशीन, इसका तापमान जो है हम सेट करेंगे उसमें आ जाएगा, तो ये रेडी का जो है यहाँ पर जलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो बटन दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले लिखा है ऊपर, ये वाला बटन देखते हैं, ऊपर हॉट यानी कि इसको गर्म करने के लिए ऑन करेंगे ऊपर की तरह, नीचे करेंगे तो यहाँ पर कूल्ड लिखे यानी कि ठंडा करने के लिए, ठीक है मशीन को। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड करके लिखा है यानी कि आगे, उस तरफ आगे जाने के लिए इसको हम फॉरवर्ड करेंगे। और नीचे यहाँ देखें प्रीवियस करके लिखा है, तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे मतलब इस तरह से आएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर यानी फॉरवर्ड आगे के लिए, नीचे यानी कि पाछे लाने के लिए। ये ऊपर यानी कि हॉट यानी कि गर्म करने के लिए, नीचे यानी कि ठंडा करने के लिए, और यह टेम्परेचर सेट करने के लिए। एक बार बता दूं, यहाँ पर मुझे पता चला कि 110 से 120 के बीच में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है इसमें लेमिनेशन करने के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप इसमें जो है 110 से 120 में रखिए और इसको आप चालू कर सकते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ मैंने दिखाया था ये वाला, तो जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है लेमिनेट कर रहे हैं, अचानक से लाइन बंद हो जाता है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो है इसको यहाँ पर लगाना है। तो कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें लगेगा। यहाँ देखिए इसको हम घुमाकर जो है उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम बिजली से कनेक्ट करके एक जो है प्रिंट या मतलब सॉरी एक जो है लेमिनेट करके दिखा देते हैं। और बायोमेट्रिक का और जो है प्रिंटर का पहले से वीडियो बन चुका है, उसका जो है पूरा एक एक चीज़ को हमने बता दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए इसका हम जो है डायरेक्ट लाइव टेस्ट देखते हैं, ठीक है। पावर को ऑन कर लिया है, अब इसको हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पर उसको ऊपर करेंगे बटन को, इस वाले को,
तो ये चालू हो चुका है और इसको हम सेट कर दिए हैं 110 से 120 के बीच में, और ये जैसे ही ग्रीन बनेगा तो जो है चालू हो जाएगा। तो अभी ये इसमें है, आगे की तरफ जाएंगे तो ये आगे की तरफ, ये पाछे की तरफ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको इस प्रकार से जो है कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो है ये इसका जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है मार्केट में इस प्रकार से एक जो है आधार कार्ड के साइज का एक झिल्ली मिल जाएगा, पॉलीथीन जो लेमिनेटेड करने के लिए है, तो इस प्रकार से रहेगा। इसमें आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। इससे बड़ा वाला भी आता है जिसे आप काट कर खुद से जो है उसको किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज में काट कर उसको डॉक्यूमेंट को इसके अंदर में रखना है, जैसे कि मैंने इसमें जो है रख लिया है इस प्रकार से। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हमें मिलेगा तो हम इसको तुरंत यहाँ पर डाल देंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये लाइट जल चुका है, ग्रीन वाला ये रेडी है। अब यहाँ पर हम इसको डालते हैं, लाइव टेस्ट करके दिखाते हैं किस प्रकार से इसको जो है। तो यहाँ पर हमने रख दिया है, देखते हैं क्या होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, अंदर जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट टाइम मेरा भी है। तो कुछ इस तरह से अंदर तो चला गया है, यहाँ से देखिए इस तरफ से ये निकल रहा है। तो कुछ इस तरह से है देखिए, ठीक। तो इसको एक बार और करते हैं, तो ये लाइव दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये हो चुका है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।